हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बानो। आज मैं काली मिर्ची का गोश्त बनाने वाली हूँ, जो झटपट से बन जाता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अगर अचानक से गेस्ट आ गए तो भी आप इसे जल्दी से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं गोश्त बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 300 ग्राम गोश्त लिया है। मैंने गोश्त को धो के रख दिया है। अब मैं ये गोश्त कुकर में डाल दूंगी। इसमें मैं 2 टीस्पून के जितना अदरक लहसुन डालूंगी। और 1/2 टीस्पून के जितना नमक डालूंगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें 1/4 कप के जितना पानी डालूंगी। इसे चूल्हे में रख के 4 सीटी ले लूंगी। गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं चूल्हे पे कढ़ाई रख दूंगी। इसमें मैं 3 टेबलस्पून की जितना तेल डाल दूंगी। मैंने 4 हरी मिर्च को ऐसे कट कर लिया है और थोड़ा सा करी पत्ता लिया है। अब मैं तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल दूंगी। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी। मैं गोश्त को अच्छे से ऑयल में फ्राई करूंगी। मैंने गोश्त को अच्छे से ऑयल में फ्राई कर दिया है। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर और गरम मसाला डालूंगी। मैंने 1.5 टीस्पून के जितना ब्लैक पेपर लिया है और 1/2 टीस्पून के जितना गरम मसाला लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने नमक पहले से ही डाल दिया था गोश्त को बॉईल करने से पहले, फिर भी मैं टेस्ट करके डालूंगी नमक। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। नमक बराबर है इसलिए मैं नमक नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें 1/2 नींबू का रस डाल दूंगी। और थोड़ा सा हरा धनिया मैं पहले से ही मैंने काट के रख लिया है। तो मैं अच्छे से तेल में थोड़ा फ्राई कर लूंगी। काली मिर्च का गोश्त बनके तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। बकरीद नजदीक आ रही है, आप इसे बकरीद में भी बना सकते हैं। अब मैं इसे सर्व कर रही हूं।
मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।